नमस्कार, मैं हूं अश्विन पांडे। साईं बाबा पर आज तक न जाने कितनी फिल्में बनी और न जाने कितने टेलीविजन सीरियल। हर किसी की कहानी शिरडी से ही शुरू हुई और शिरडी में ही खत्म। आज हम आपको शिरडी से आगे लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे उन जगहों को सामने लाने की जो आज तक टेलीविजन स्क्रीन पर कभी सामने नहीं आए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं शिरडी। हम शिरडी के रास्ते सुमित के साथ बढ़े कि साईं को लेकर शायद वहीं से हमें आगे का कोई छोर मिलेगा। लेकिन साईं के जन्म और बचपन को लेकर कई विवाद भी हैं। सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का था, लिहाजा हमने तय किया कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। जो दस्तावेजों में दर्ज है वही दिखाएंगे। साईं बाबा पर लिखी गई सबसे पुरानी किताब साईं सच्चरित है, लेकिन इस किताब में भी ज्यादातर जिक्र शिरडी का ही किया गया है। खैर, किताब में साईं के चमत्कारों को पढ़ते पढ़ते हम कब शिरडी पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब काम थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि साईं बाबा पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। हमने रिसर्च किया और तीन सबसे पुरानी किताबों को अपनी खोज का आधार लगा। शिरडी में हमारी मुलाकात हुई बाला साहब जोशी से। जोशी जी ने बताया कि बाबा ने 8 साल की उम्र से शिरडी में ही तपस्या की। जोशी जी ने नीम का वो पेड़ भी दिखाया जिसके नीचे बैठकर साईं ने तप किया। इस जगह को साईं का गुरु स्थान भी कहा जाता है। उसको लेकर कि बाबा पहली बार जब शिरडी में ग्रामस्थ लोगों को दिखाई दे गए तो पहली बार यही दिखाई दिए थे। तो बाबा जब लगभग 8 साल के थे तब तो बाबा किसी के साथ बात भी नहीं करते थे, हमेशा यही बैठते रहते थे। तो किसी ने मालसापति से ही मालूम पड़ा कि मालसापति ऐसा बोलना था कि मालसापति के संचार होता था और वो संचार खंडोबा का होता था। तो खंडोबा को प्रश्न किया कि बाबा ये लड़का किसका है, तो वो खंडोबा ने संचार होते बता दिया कि ये जो लड़का है यहाँ उनकी तपोभूमि है, 12 साल तपस्या की है। और तभी उन्होंने खुदाई करने के लिए बोल दिया। तो खुदाई करने के बाद यहाँ दिया, गोमुखी, रुद्राक्ष की माला और आसन ये दिखाई दे गया। और वही देखते ही बाबा बोल उठे कि ये मेरा गुरु का स्थान है, ऐसा ही जतन करो। तो उसी समय से वो फिर बंद कर दिया और वहीं आज निम्ब वृक्ष स्थित है और बाबा का गुरु स्थान मानकर लोग यहाँ दर्शन लेते हैं। साईं सच्चरित, इस किताब में ज्यादातर बातें शिरडी की गई हैं। इसमें ना तो बाबा के जन्म स्थान का जिक्र है और ना ही उनके परिवार का। इसके बाद हमने वीबी खेर और दासगनु द्वारा लिखी गई साईं बाबा पर 2 किताबों को उठाया। इसमें ना सिर्फ साईं बाबा के जन्म स्थान का जिक्र है बल्कि उनके परिवार का भी जिक्र है। इन किताबों में लिखा है कि साईं बाबा का जन्म पाथरी गांव में हुआ है। तो चलिए चलते हैं पाथरी गांव। जोशी जी से जब हमने पूछा कि बाबा के जन्म स्थान और उनके परिवार के बारे में कुछ पता है, तो उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बाबा का जन्म नहीं हुआ बल्कि वो प्रकट हुए थे और ये साईं सच्चरित किताब में दर्ज भी है। ये लगभग 1857 यानी कि 1857 में बाबा पहली बार दिखाई दे, ऐसा अंदाजा है। कि वो तो फिक्स नहीं है कि साईं चरित्र में जो आधार पर है वही हम बताते हैं कि वो फिक्स साल हम नहीं बता सकते, मगर उसका उल्लेख कई बार लिखा है कि 1857 लगभग साल होगा कि बाबा पहली बार यही दिखाई दे। बाकी किताबों का भरोसा हमें साईं बाबा संस्थान भी प्रमाणित नहीं मानते क्योंकि पहली जब बाबा थे देहधारी द्वारका मई में तो ये दाभोलकर ने इच्छा प्रकट की कि बाबा आपका सच्चरित्र हम लिखेंगे। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि आप दफ्तर रखो, उसको मेरा सहयोग होगा और आप सच्चरित्र लिख सकते हैं। तो बाबा की हम आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में खिरडी गांव को देखकर रुक गए। बात की तो पता चला बाबा शिरडी से पहले खिरडी गांव आए थे। खिरडी वाले ने ऐसा करा तो यहाँ से वो चले गए तो उसको शिरडी लग गई। लोगों का कहना है कि खिरडी के लोगों ने उस वक्त बाबा का अपमान किया। यहाँ के लोगों का मानना है कि शायद इसी वजह से इस गांव का पानी खारा है, जबकि आसपास हर गांव में पानी मीठा है। जब लोगों ने उनको यहाँ से भगा दिया तो लोगों ने साईं बाबा ने कहा कि इस गांव में पानी खारा रहेगा, खारा पानी रहेगा ऐसी आज हालत ऐसी है कि हमारे गांव में पानी खारा है और हमारी जो हद है खिरडी गणेश गांव की वहाँ के बाजू में के गांव को मीठा पानी है और अच्छा पानी। खिरडी के लोग कहते हैं कि काश उनके पुरखों ने
साईं को ना जाने दिया होता तो आज शिरडी की जगह दुनिया भर में खिरडी का नाम होता। रास्ते में सिंदूर गांव पड़ा। लोगों ने कहा अगर आप साई पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक बार इस गांव के अंदर जरूर जाइए। कहते हैं कि एक बार यहां पर बाबा को अपनी चिलम जलानी थी, लेकिन चिलम जलाने के लिए आसपास ना तो पानी था और ना ही आग। इस पहाड़ पर ये दोनों कैसे लाया जाए बड़ा सवाल था। लेकिन बाबा ने जमीन पर चिमटा मारकर चुटकियों में हल निकाल दिया। लोगों की मान्यता है कि आज भी इस जगह से हमेशा ये पानी ऐसे ही बहता। और बाबा दोनों ही शाम के पेड़ के नीचे बैठे और यहाँ पर उन्होंने अपने चिमटे से जो है, क्योंकि उन्हें चिलम जलाना था इसलिए उन्होंने अपने चिमटे से मारा और वहां से पानी निकलने लगा और इसके बाद दोबारा चिमटे से मारा तो अंगारा आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी चिलम को जलाया। ये अब यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये जो पानी अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाव हो रहा है, ये पहाड़ी इलाके पे पानी जो है इसी वजह से अभी भी पानी यहाँ थोड़ा थोड़ा हमेशा आता रहता है। क्या ये सच है? ये सच है, पानी हमेशा रहता है अभी। कभी भी आओ तुम, आज रात को भी आए, धूप का भी आए, काले धूप कले में भी आया, घुटके मुक्का अभी इतना पानी रहेगा यहाँ। कहाँ से मारा था बाबा ने चिंटा, अगर आपको कुछ अगर आप बता सके, आपको जानकारी हो तो? देखो ये उन्होंने ये बड़ा करने को लगा है, नहीं ये आता ना ऐसा पत्थर था, ऐसा पत्थर होने के बाद में जब मारे हुआ था ना तो उसको ऐसी भेज दी, वो भेज में से पानी ऊपर आता था। दासगुन किताब में बहुत साफ लिखा है कि साईं बाबा का जन्म परभणी के एक छोटे से गांव पाथरी में हुआ। हमारी गाड़ी पाथरी गांव की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक एक जगह हमें ब्रेक लगानी पड़ी। ये धूप खेला है। कहते हैं कि साईं बाबा 1854 में शिरडी आए, उसके बाद फिर अचानक वहां से चले गए। शिरडी से जाने के बाद धूप खेड़ा में ही उन्होंने बाकी वक्त बिताया। ये वो नीम का पेड़ है जहां पर आप देख सकते हैं, ये नीम के पेड़ के नीचे जो है साईं बाबा आके बैठ गए। नीचे एक पत्थर भी है, इस पत्थर पर बाबा बैठा करते थे, उनकी तस्वीर भी लगी है। चांद पाटिल की समाधि भी है उनके ठीक बगल में, आप देख सकते हैं ये चांद पाटिल की समाधि है। धूपखेड़ा में चांद पाटिल और साई की कहानी आज भी घर घर में कही सुनी जाती है। कहते हैं कि चांद पाटिल की घोड़ी कहीं खो गई थी जिसका पता साई ने बैठे बैठे ही बता दिया। पहली बार शिरडी में आने के बाद साईं बाबा अचानक गायब हुए, लेकिन इसके बाद साईं बाबा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। अचानक चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी घोड़ी खो गई थी। सिंदोन इंदौर एक जगह है जहाँ पर खोने के बाद वो ढूंढ रहे थे, तभी अचानक साईं बाबा एक पेड़ के नीचे उन्हें बैठे मिले और उन्होंने बताया कि आपकी घोड़ी जो है वो एक दूसरे नाले के पास खड़ी है। इसके बाद चांद पाटिल वहाँ गए और उनकी घोड़ी उन्हें मिल गई।
और फिर चांद पाटिल को लगा ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम फकीर नहीं, ये कोई महान आदमी है। चांद पाटिल की घोड़ी जिस जगह मिली, लोग कहते हैं कि बाबा का चमत्कार आज भी उस जगह देखने को मिलता है। फिर आंगार से उन्होंने चिलम बिलम पीने के बाद फिर बोल बाबा मेरे गांव को चलो, मेरे गांव को तुम चलेंगे तुम मेरा गांव पुण्यवान होगा। फिर चांद पाटिल ने यादें कराई, तो बोल चलो तुम आगे मैं आया। चांद पाटिल घोड़ी पे आए तब तो बाबा यहाँ नदी में आके हाथ पौ धोते बैठे। धुपखेड़ा में साल के 365 दिन बहते इस पानी को आगे छोड़ हम आगे बढ़े साईं के जन्म स्थल की तरफ। हमें बताया गया कि खुदाई करके साईं के घर के कई अवशेष निकाले गए। पाथी गांव हमसे अब बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन रास्ते में बार बार साईं से जुड़े कई अहम पड़ाव आ रहे हैं। एक बार फिर ऐसी जगह आई जहां हमें रुकना ही पड़ा। पता चला जहां हम खड़े हैं वो साईं बाबा का पहला मंदिर। यही नहीं, इस मंदिर में रखी मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो बाबा ने खुद अपने हाथों से दी। साईं नाथ आए नमः। बहुत कम लोगों को पता होगा कि साईं बाबा का पहला मंदिर उनकी समाधि लेने से पहले ही बन गया। ज्यादातर लोग शिरडी के मंदिर को ही साईं का सबसे पुराना मंदिर मानते हैं। इस वक्त मैं साईं बाबा से जुड़े एक ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूँ, भीवपुरी में, जहाँ पर साल 1916 में केशवराव प्रधान नाम के व्यक्ति द्वारा साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना की गई। साल 1916 में जब बाबा शिरडी में अपने चमत्कारों के दम पर, अपने चमत्कारों के जरिए लगातार लोगों के बीच पहुँच रहे थे, लोग उन्हें जानने की कोशिश कर रहे थे और अपने चमत्कारों के जरिए बाबा कईयों की परेशानी हल कर रहे थे, उसी समय केशवराव प्रधान जो भीवपुरी के रहने वाले थे वो बाबा के पास गए और बाबा ने ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को बाबा ने उन्हें भेंट किया और इस मूर्ति को लेकर केशवराव प्रधान जी अपने गांव वापस भीवपुरी आए और इसी मूर्ति का उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। ये सबसे पहला ऐसा मंदिर है जो साईं बाबा के रहते हुए बनाया गया था। 1916 में भीवपुरी में बाबा का यह पहला मंदिर बना। मंदिर की स्थापना केशव प्रधान ने। ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं के पहले मंदिर में रखी यह मूर्ति साईं के हाथों से ही दी गई, लेकिन इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उन्होंने बोला कि हम अब भीवपुर में आओ तो आएगा, हम बोला तस्वीर दिया उनको, उन्होंने तस्वीर दिया, बाद में बोला हम आप है लेकिन हम कैसे मानूं, तो हम तुलसी वृंदावन है मंदिर और घर के बीच में एक तुलसी वृंदावन है, उधर उन्होंने दर्शन दिया। गुरुवार को रात को मैं आता हूँ तो गुरुवार को रात को उन्होंने दर्शन दिया उनको केशवराव जी को। फिर मूर्ति की स्थापना की, फिर स्थापना की श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय। साईं के पहले मंदिर को देखने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव पाथरी गांव। वो गांव जिसे साईं का जन्म स्थान कहा जाता है, जहाँ कहते हैं कि आज भी साईं से जुड़ी चीजों को बहुत सहेज कर रखा गया। पाथरी गांव में घुसते ही पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि साईं का घर कहाँ। वहाँ हर किसी की मंजिल साईं का घर ही। पाथरी गांव में पहुँचने के कुछ मिनट बाद ही हम साईं के घर के सामने। सिरडी, कोपरगांव और धूपखेड़ा गांव, ऐसी तमाम जगहों पर हमने साईं बाबा के जन्मस्थली के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि बाबा इन इन जगहों पर गए हैं और सिरडी में तो अभी बाबा की समाधि भी है। अब जाकर हमें परभणी के पाथरी गांव में बाबा के जन्मस्थान के बारे में पता चला है और इस वक्त हम बाबा के जहाँ पर बाबा पैदा हुए थे वहाँ पर एक मंदिर बन गई है, लेकिन अभी भी बाबा के घर के जो अवशेष हैं आप देख सकते हैं, चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया है ताकि यहाँ पर लोग आ न सके, और क्योंकि ये
बाबा से जुड़ी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं, इसलिए चीजों को नुकसान ना हो इसलिए पूरी तरह से ढका गया है। मैं नीचे की तरफ चीजें कुछ दिखाना भी चाहूंगा जो इस जहाँ पे बाबा पैदा हुए थे वहाँ की खुदाई के दरमियान ये चीजें मिली हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक चक्की है जिसमें से गेहूं पिसा जाता है। ये आपसे जानना चाहेंगे क्या है? ये जो है बाबा का कुलदेव हनुमान जी का मंदिर है, और ये जो है आइडल ये मंदिर जहाँ बाबा कुलदेव है वही प्रतिकृति है। साईं बाबा का पवित्र जन्म घर और उसमें मिले ये वस्तु हैं। मैं अंदर की तरफ चलूंगा, ये बाबा यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि क्या है। आपसे जानना चाहूंगा, आप अंदर आ सकें तो आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि ये जगहों क्या बोलते हैं जहाँ पे इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पे दीपक क्यों जलाया गया, क्या ये बाबा का घर जो है इसलिए जलाए है। और ये जो है जो हमारे पुरानी घर जो है मकान जो है जो अंदर जो माजघर बोल के जो जन्मस्थान का जो ये है, यानी यहाँ पर बाबा जन्मे थे ऐसा माने था। हाँ, यहाँ पर जो लादनी बोलते हैं उसको मराठी में, हर जगह पे लादनी रहती है, वो लादनी में या नीचे घर के नीचे ये ऐसा रहता है। और जो पुरातन इसमें जो जन्म का जो ये रहता है प्लेस रहता है वो ये ऐसा प्लेस है। अच्छा, इसलिए यहाँ दीपक जलाया जाता है, दीपक उसका घर। श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय। कहा जाता है यही वो कमरा है जहां साई का जन्म हुआ। पुराने बड़े पत्थरों से बना एक छोटा सा कमरा। इस घर को बहुत ही मुश्किल से सहेज कर रखा गया है। घर पूरा नहीं है, उसके सिर्फ कुछ हिस्से हैं। कुआं है और इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर। ये आप मुझे बताइएगा कि क्या है ये? बेसिकली यहाँ पे कुआं है, मैं देख पा रहा हूँ। ये कुआं नहीं, ये जो ये फूड ग्रेन्स जो रिजर्व करने के लिए। अच्छा, फूड ग्रेन्स यानी कि इसमें रखे जाते थे समझो, बड़े पैमाने पे वो रखने की पुरातन इसमें कोई जगह नहीं थी, तो ये ऐसे इसमें वो रख के सालों सालों को उसका इस्तेमाल कर सकते थे। ये हिसाब से वो ये जमीन जो है ये एक यहाँ भी है, इस तरफ भी है, दो मिले यहाँ। अच्छा, ये भी खुदाई के दरमियान पता चलेगा। हाँ, ये आपसे जानना चाहेंगे, इतने दिनों तक ये बातें सामने नहीं आई, इसके पहले किस क्यों क्या वजह थी कि इन चीज़ों के बारे में लोग जान नहीं पाए और सामने नहीं आ पाई? वजह कुछ ये नहीं है, मगर बाबा के इसमें कुछ संभ्रम लोगों के मन में है कि भाई जन्म स्थान ये क्या बोल रहे हैं, उसमें कुछ तथ्य है या नहीं। और कोई उसमें कुछ ये नहीं करता था, फेथ नहीं करता था कि भाई ये सही में है, उसमें कुछ विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए कोई यहाँ आके। और ये इंटीरियर में गांव है, या लोगों को कुछ मालूम नहीं, कम्युनिकेशन का कुछ या इतना ये नहीं है, इसलिए ये पिछड़ा भाग होने के कारण से या कोई लोग आए नहीं और आने की कोशिश भी किसने नहीं की। ओम श्री साई नाथाय आम। सबसे अहम बात यह है कि शिरडी में काफी विकास हुआ है जहां पर बाबा ने जाकर समाधि ली, लेकिन इस गांव का विकास पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हुआ है। मैं इस तरफ भी चलना चाहूंगा। ये जो है तस्वीरें जो साफ हैं कि ये सब सारी चीजें जो है खुदाई के दरमियान मिली थी। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
यहाँ पे हम चलते हैं। ये जगह आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या क्या था कि इसे भी पूरी तरह से घेरा हुआ है। यही वो मकान था यहाँ, यानी ये रूम्स जो बंदे थे ना, उसका जो इंटैक्ट यानी अटूट जो भाग मिला है वही ये प्रिजर्व किया है। आगे की तरफ भी कुछ है यहाँ पे। यहाँ तक का मैं कोशिश करूँगा कि कैमरे के जरिए लोगों तक ये पता जानकारी जाए कि बाबा जहाँ जन्मे थे वहाँ की जो है चीज़ें क्या है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या है थोड़ा बताएंगे आप? ये दीवार है उनके जो घर, उनके जो माजघर बोलते हैं ना, माजघर में जो रूम थी उसकी दीवार है ये। हमें बताया गया कि बाबा के इस घर को सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। हाँ, आने वाले आस्था और श्रद्धा के चलते घर की मिट्टी और पत्थरों को उठाकर ले जाते हैं। हालांकि अब इस घर को एक शीशे की चार दीवारी से घेर जो भाविक जो है बाबा के प्रति जिनकी श्रद्धा है उनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीज़ बाबा की जो घर की है वो अवशेष है वो अपने घर पे रहे, इसलिए लोग आते थे अक्सर और कुछ मिट्टी निकालना, कुछ इसकी ईंट निकालना ये होता था। और ये ऐसी हमको डर था कि भाई ये कुछ दिन के बाद नामशेष हो जाएगा, इसलिए हमने ये पूरा जो एरिया है उसको सील करके उसको प्रिजर्व करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले भक्त है उनको भी ये देखने के लिए मिले। शिरडी के लोग ये नहीं मानते कि बाबा के यहाँ जन्म हुआ था, काफी विवाद है इस मामले को। विवाद वैसा किसी के मन में नहीं, जो बाबा का सही सच्चरित्र है उसमें उसका पूरा जो है उसमें पूरा डिटेल में लिखे वाला है, उसमें प्रस्तावना में भी लिखे वाला है कि वो बाबा को जब बाबा यहाँ थे शिरडी में तब निजाम स्टेट से कुछ लोग यहाँ आते थे और पाथरी सेलू और परभनी ये गाँव के वहाँ उल्लेख होता था और बाबा वो लोगों के लिए पूछताछ करते थे। बाबा के कुछ भाई वगैरह भी थे? भाई वगैरह थे मगर अभी कोई उनका ऐसा ये नहीं है जो उनके है, वो काल में वो नहीं रहे अभी। मगर बाबा का कुछ उसमें बाद में उनकी कुछ ये नहीं था, वो सन्यासी के रूप में थे इसलिए उनका बाकी कोई उनका ये परिवार के नहीं, पर उनका जो भुसारी नामक जो उनका परिवार था पूरा उनके नाम पर ये जगह थी। जर्जर हो चुके इस घर को देखकर हमारे दिमाग में एक ही सवाल था। हर साल शिरडी में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, देश विदेश में साईं के मंदिर बनवाए जाते हैं, फिर साईं का घर ऐसी हालत में क्यों? यहाँ के बारे में ये अभी पता चला है कि बाबा ने यहाँ जन्म लिया था, वो एक ब्राह्मण परिवार, भुसारी जो कहा जाता है वो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके और भी भाई थे, बाबा का नाम हरिभाऊ था, बाबा बाद में जैसा कि महलसापति ने उनका नाम साईं रखा और फिर वो साईं बाबा नाम से प्रचलित हुए। बाबा की यहाँ मूर्ति जो है स्थापना की गई है, इन जो बाबा के घर के जो अवशेष हैं उन्हें पूरी तरह से संभाल के रखा गया है। बहरहाल इन कहानियों में जो जो किताबें लिखी गई हैं ये उन किताबों के आधार पर ये साबित होता है कि बाबा यहाँ जन्म लिए थे, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या बाबा सचमुच में यहाँ जन्म लिए थे? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन अगर किताबों की माने तो बाबा ने यहाँ जन्म लिया था, जबकि साईं सच्चरित्र नाम की किताब जो लिखी गई है साईं बाबा की अनुमति के आधार पर कहा जाता है, उस साईं सच्चरित्र में पाथरी गांव का जो है वर्णन नहीं दिखाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले दिखाया गया था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया।
सेलू, जहां कहते हैं साईं ने 12 साल तक अपने गुरु से योग की शिक्षा ली। हम बिना देर किए सेलू की तरफ बढ़ जाते। सेलू पहुंचकर हमारी मुलाकात मोहन से हुई। मोहन हमें लेकर साईं के गुरु बाबा महाराज के इस मंदिर में। साईं बाबा 5 साल की उम्र में यहाँ आए और 5 साल से 12 साल तक यहाँ रहे। मोहन ने बताया कि साईं बाबा ने 12 साल तक अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ली। ये बात सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि साईं के वक्त एक संत की किताब में लिखी हुई थी। मोहन से ही पता चला कि गुरु बाबा महाराज रोजाना साईं को योग सिखाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जालना जिले के उमरखेत गांव के किले में ले जाया करते थे। यहीं पर साईं बाबा के साथ जो है बाबा महाराज उन्हें लाते थे और उन्हें शिक्षा दीक्षा देते थे। सेलू के इस किले पर पहुंचकर हमें लगा कि हमारे सफर की यही आखिरी मंजिल। लेकिन यहाँ बताया गया कि आखिरी मंजिल बस थोड़ी दूर खंडवा गांव में, वो जगह जहाँ साईं का नाम साईं पड़ा। इस वक्त मैं उस खंडवा मंदिर में हूँ जहाँ पर साईं बाबा का नाम साईं पड़ा। उन्हें पहले लोग फकीर के नाम से जानते थे। इसी मंदिर के पुजारी महल सापति ने एक बाल फकीर को साईं नाम दिया। औरंगाबाद से चांद पाटिल के रिश्तेदार की शादी की बारात इस खंडोबा मंदिर के सामने उतरी थी। उनको साईं उसके साथ बाल फकीर थे। उन बाल फकीर को यहाँ के जो पुजारी है और जो विश्वस्त थे महासापति जी, उन्होंने उनको आओ साईं करके पुकारा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सफर में हम साईं तक, लेकिन जहाँ उनका ये नाम पड़ा वहां तक पहुंचने की ये कोशिश थी। श्री साईनाथाय।